मीन एब्सोल्यूट एरर नाउ स्टूडेंट्स आपने अभी एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट किया उसके आगे मैंने क्या लिखा मीन एब्सोल्यूट एरर ओके तो यहां से बिल्कुल कंसेप्ट हमारा क्लियर है कि अगर हम जितने भी एब्सोल्यूट एरर जो हमने फाइंड आउट किए उन सब का हम क्या निकाल लें मीन निकालें मीनस एवरेज या अर्थमेटिक मीन जिसे हम कहें हम वो एवरेज फाइंड आउट कर लें सभी एब्सोल्यूट एररस का तो वो हमारे पास क्या हमें मिलेगा मीन एब्सोल्यूट एरर मिलेगा फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर कहा था कि हम एक एक्स क्वांटिटी को मेजर कर रहे थे और उसको हमने एन टाइम्स मेजर किया एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री लेट इट बी एनी आइयत टर्म हियर इन बिटवीन एंड एक्स एन देन इफ आई राइट कि उसमें से आयत की एब्सोल्यूट एरर जो हमने निकाला आइयत ऑब्जर्वेशन के लिए वो डेल एक्स आई और यहां पर अगर मैं कहूं कि फर्स्ट के लिए एबसुलूट एरर डेल एक्स वन है सेकेंड के लिए एबसुलूट एरर डेलेक्स टू निकालना थर्ड के लिए डेल एक्स थ्री सिमिलरली फॉर एन टर्म के लिए डेल एक्स एन तो ये सारे एब्सुल्यूट एरर्स आ गए हमारे पास इंडिविजुअल मतलब एक्स में एक्स में एक्स में और सभी में जो एब्सुलूट एरर्स आए हैं उसको हमने इनसे डिनोट कर दिया ओके तो इन्हीं सब का अगर आप क्या निकालो मीन निकालो तो हमारे पास क्या आएगा मीन एब्सोलूट एरर तो यही चीज हम यहाँ लिख रहे हैं मीन एप्सुलूट एरर किसके इक्वल आ गया तो यहाँ मैंने साइन लिखा डेल एक्स जो कि किसके लिए डिनोट कर रही थी मैं यहाँ एरर के लिए पर क्योंकि यहां पर मीन लिख रहे हैं तो इसके ऊपर भी क्या लिख देंगे बार लिख देंगे या आप इसको एक्स से भी लिख सकते हो डेल एक्स और नीचे मीन तो क्या किया इसको सभी एप्सुलूट एरर्स को हमने क्या लिखा है यहाँ पर मॉडुलस लिखा है मॉडुलस का मतलब ये है कि हम एब्सोलूट एरर्स चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है पर हमें सबका उनका क्या लेना है मैग्नीट्यूड लेना है तो दैट्स वाई आई हैव द मॉडुलस वैल्यू आई हैव टेकन ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द ऑल्यूटेर सबको एड करेंगे और एन से डिवाइड करेंगे अब इस ये जो न्यूमिरेटर में एक समेशन की सीरीज बन रही है तो इसलिए मैंने यहां पर क्या लिख दिया समेशन का साइन और साथ में डेल एक्स आई वे टेकिंग इट्स ओनली मैग्नीट्यूड